NCERT Standard 10 Exercise 3.2 Question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the following solution graphically. Graphically हमें ढूंढना है, अगर consistent है तो. Consistent का मतलब क्या होता है? Solution जिसका हमें मिले, ठीक है. Inconsistent का मतलब जिसका solution हमें ना मिले. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ था, तो आप लोग ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बार ट्राई करोगे और खुद से करने की ट्राई करोगे उतना ही अच्छा है आप लोग के लिए, क्योंकि तभी आपको आएगी मैथ्स, ठीक है. तो देखो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिख दिया मैंने, फिर रेशियोस A1 अपॉन A2 निकाल लिए, ठीक है, जो कि 2 अपॉन में 4, जो फर्दर कट हुआ 1/2, B1 अपॉन में B2 माइनस 2 अपॉन में माइनस 4, तो फर्दर कट होकर 1/2 हो गया. C1 अपॉन C2 हमारा 2 और 5 है माइनस का, जो कि कैंसिल आउट हुआ माइनस माइनस, और 2 अपॉन 5 आ गया, ठीक है. अब दिख रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है और नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है. तो ये कौन सी कंडीशन है? इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन, जिसके अंदर सॉल्यूशन कैसा आता है? हमारा सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है. तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है. तो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन कैसी है? इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है. देखिए, देयरफॉर दिस लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दस हैव नो सॉल्यूशन, हैज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट. तो इनकन्सिस्टेंट है तो आगे हमें सॉल्व नहीं करना है. यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है.